Now, beta, we have to discuss first this relationship for calculation of molecular formula. Molecular formula calculate karte vakt, there are something which we first have to know. Okay, so first of all, we have to discuss that what is the relationship between empirical formula and molecular formula. So, molecular formula is equals to number of atoms, that is small n, into empirical formula. जबी भी हमको molecular formula calculate करना होगा, we have to use this relationship. This relationship means we have to calculate n is equal to, this goes here, molecular formula by empirical formula. देखो बेटा, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा that how it will be calculated, हमें values कहां से मिलेंगी, that value I will give you, how to you have to calculate these values. So this is what, this is number of atoms, okay, this is molecular formula mass, ठीक है, and this is empirical formula mass, means जो आपके ये formulas होंगे उनके जो mass होंगे, means उनके जो molecular masses होंगे उनकी values हम यहाँ रखेंगे. How we will put these values, अब बस हम वही discuss करेंगे, ठीक है. So now I am going to calculate, I am going to discuss a question in which we have to calculate both empirical formula and molecular formula. Just keep in mind, without the information of empirical formula, we can't calculate molecular formula. हमें जब भी molecular formula calculate करना होगा, first of all, we have to calculate empirical formula. Okay, so let's start it. Now we are given with this question. An organic substance have carbon hydrogen. Okay? देखो information पहले यहाँ कितनी है, हमें वो check कर लेना है कि सारी information हमारे पास है, question correct पूरा दिया हुआ है या नहीं. Given है हमारे पास molecular mass, means molecular formula mass of the compound this one. तो इसकी तो अभी हमें जरूरत नहीं है. वी हैव टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑल्सो एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑल्सो. एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया होता चाहे नहीं दिया होता, हमें कैलकुलेट तो करना ही करना था. बट फर्स्ट कम टू दिस प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है. अगर हम इन दोनों को एड करते हैं, सो इट इज 40.687 एंड इट इज 5.085, दैट कम्स आउट टू बी 45.772%. तो ये हमारा 100% तो टोटल है नहीं. इसका मतलब कि वी आर मिसिंग समथिंग इन दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है. बट इट सिंपली हैपन्स कि अगर क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें दो एलिमेंट्स दो जो है एटम्स बता दिए हैं, देन इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बेटा कि अगर इट इज नॉट 100% देन द थर्ड एलिमेंट द थर्ड एटम विल बी ऑक्सीजन. जो हमारा थर्ड एटम होगा वो ऑक्सीजन होगा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ डू वी फाइंड आउट द अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, सिंपली बाय जस्ट सब्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 100. सो इट इज 100 माइनस 45.772, सो इट कम्स आउट टू बी 10.872 एंड इट इज 2 एंड इट इज 4 इट इज 5, सो इट इज 54.228. अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो इट विल बी 100%. तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, दैट इफ वी आर प्रोवाइडेड विद डिफरेंट परसेंटेजेस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड ऑल द परसेंटेज एंड वी हैव टू सी वेदर द सम इज 100% और 100 ग्राम, ठीक है, चाहे परसेंटेज में हो चाहे ग्राम की टर्म्स में हो, वेदर इट इज 100 और नॉट. If it is 100, then it's okay. And if it is not 100, then we have to suppose from our own side the third atom that will be oxygen only. ठीक है, उसका amount हम अपने आप by the same method we will be writing. Okay. So now I'm going to start the question. Our first element is carbon. Second element is hydrogen. And third element is
ऑक्सीजन दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बट आई हैव टू सपोज इट. ओके सिंबल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. नाउ परसेंटेज इफ आई राइट 40.687% हाइड्रोजन इज 5.085% एंड ऑक्सीजन इज मैंने कैलकुलेट किया यहां पे 54.22%. ओके एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 हाइड्रोजन इज 1 ऑक्सीजन इज 16. अगेन क्या करना है दिस कॉलम डिवाइडेड बाय दिस कॉलम. ओके सो इट इज 40.687% बाय 12 इट इज 5.085% बाय 1 एंड इट इज 54.228% बाय 6. ओके तो दिस मच पोर्शन इज ऑलमोस्ट क्लियर टू यू. नाउ आफ्टर कैलकुलेशन आई गेट 3.39. हेयर आई गेट सेम 5.08. ठीक है दो वैल्यूज मैं ले लूंगी डेसिमल्स की एंड इट इज 3.38 ऑलमोस्ट सेम 389 आता है तो आप उसको राउंड ऑफ करके ले सकते हैं. सो सिंपल रेशियो में अगेन इन तीनों में सबसे स्मॉल ये है सो इट इज 3.39 बाय 3.38 और इट इज 5.08 बाय व्हाट 3.38 एंड नेक्स्ट वन इज 3.38 बाय 3.38. सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1. दिस इज ऑल्सो 1 ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड. नाउ द वैल्यू ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी 1.5. अगेन व्हाट आई हैव टू डू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इट इज 3. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नाउ इज एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो उससे पहले I will be writing its molecular formula. Empirical formula. Now its empirical formula is what? C2H3O2. Okay. अब देखो हमें n की value चाहिए molecular formula पे जाने के लिए. तो पहले मैं क्या करूंगी मुझे molecular formula mass दिया हुआ है मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यहां से कैलकुलेट कर लूंगी. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यहां से कैलकुलेट होगा. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट होगा बेटा इनके एटॉमिक मासेस से. सो एटॉमिक मास इज 12 इंटू 2 24 कार्बन का 3 फॉर हाइड्रोजन प्लस 16 टू जा 32 फॉर ऑक्सीजन. सो इट्स एटॉमिक मास इज कमिंग आउट टू बी 59. ओके नाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग. अब बस थोड़ा सा काम रह गया है एन की वैल्यू. एन की वैल्यू के लिए रिलेशनशिप हम वही यूज करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. ओके सो पुट कर दो वैल्यू. इट इज 118 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज गिवन टू अस 59 एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज ourselves we have calculated that is equals to 2. अब क्या रह गया है कुछ नहीं करना है इस 2 से empirical formula के हर एक atom को हम multiply कर देंगे और जो भी answer होगा that will be our molecular formula. So molecular formula is equal to it is 2 into C2H3O2. So it comes out to be C4H6O4. This is our molecular formula. So beta, this is how we have to calculate molecular formula or empirical formula.